हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इंस्टेंट आपके फेस पर ग्लो लाने का एक ऐसा फेस पैक बताऊँगी या आपके एक ऐसा स्क्रब बताऊँगी जो आपके फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करेगा। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या आपको आपकी जो है अनइवन स्किन है, तो ये आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा और बहुत इजी रेमेडीज़ हैं। और हमें जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास ही हमारे घर में होते हैं, जिसे आप अप्लाई करके अपने फेस पर नेचुरल ग्लो ला सकते हैं। तो आइए इसे बनाने का तरीका जानते हैं। मैंने एक क्लीन बाउल लिया है। बाउल में मैंने एक चम्मच बेसन और उसके पेस्ट बनाने के अकॉर्डिंग मैंने उसमें एलोवेरा यूज़ किया है, जितना हमारा जो पेस्ट है वो उतना लिक्विडी और अच्छे से जो हमारे फेस पर अप्लाई हो जाए उतना हमें क्रीमी पेस्ट बनाना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन यानी आप अपने फेस को धो लें, या अगर आपके फेस पर मेकअप है तो मेकअप को हटा लें, उसके बाद इस पैक को अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, अच्छे से अपने फेस पर पूरे सर्कुलर मोशन पर अप्लाई करना है। और जहाँ पे भी आपको डार्क एरिया है या आपके नोज़ के आसपास आपको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, आपके चिन पर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, या आपके जो लिप्स के साइड में डार्क एरिया होता है, या अनइवन प्रॉब्लम है आपको स्किन की प्रॉब्लम है, अगर आपको जो है अगर आपकी स्किन जो है आपकी स्किन पर डार्कनेस का प्रॉब्लम है, टैनिंग हो रही है, या फिर आपको मुहासे हो रहे हैं, मुहासों से जो दाग छूट जाते हैं, जो ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, या आपको आपको पिगमेंटेशन का है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो ये आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत अच्छा काम करेगा। आपको अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें 2 मिनट से 3 मिनट तक इसे अपने फेस पर रब करना है। अच्छे से सर्कुलर मोशन पे आप अपने फेस को इसे फेस पर इसे अच्छे से रब करेंगे। जहाँ पे भी आपके डार्क एरिया है या आपको जो भी प्रॉब्लम्स है स्किन से रिलेटेड, जैसे कि आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, तो भी वहाँ पे अच्छे से रब करेंगे। रबिंग करने के बाद हम अच्छे से इसको 3 मिनट तक के लिए ड्राई होने देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आप किसी भी सॉफ्ट हैंकी से अपने फेस को ठंडे पानी से इसे पोंछ लेंगे। अच्छे से पोंछने के बाद जो ठंडे पानी का जो रुमाल होता है उसे अच्छे से अपने फेस पर आप थोड़ी देर अच्छे से सिखाई कर लें ठंडे पानी की। देन आप चाहें तो फिर से अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं, फिर अपने बाथरूम में जाकर अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। और इसे आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई करना है। इसे आप जब तक रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपके जो भी आपको पिंपल्स के जो दाग हैं या ब्लैक हेड्स हैं, तो इन्हें निकालने में ये आपको बहुत अच्छे से काम करेगा।